हेलो भाई, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और मैं हूँ छवि। वेडनेसडे को मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपनी माँ को लेकर के इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और आज ही मैं आई हूँ। आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज वो डिस्चार्ज हो गई और घर पर आ गई है। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके साथ। आई होप कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मैं एक साथ दो वीडियो एक साथ मैं छोटे छोटे टू हैक्स ब्यूटी हैक्स लेकर के आई हूँ। एक जो अभी गर्मी का सीज़न है, अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी स्किन जल जाती है, और अभी धूल डस्ट, अभी गर्मी के सीज़न में धूल डस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही पसीना है तो आपके स्किन के ऊपर में वो धूल और पसीने के ऊपर में धूल डस्ट का लेयर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता है, तो उसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है सो कि बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो बहुत छोटा छोटा इंग्रेडिएंट है जिसको लेकर के आप बहुत इजीली अपने फेस को अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। तो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, फर्स्ट जो मैं बनाने वाली हूँ वो है फेस स्क्रब। तो उसके लिए जो आपको चाहिए वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है आपको आपको ब्राउन शुगर लेना है। ब्राउन शुगर में आपको ब्राउन शुगर में बहुत ब्राउन शुगर बहुत अच्छे से हमारे स्किन को जो है सो कि क्लीन करता है। हमारे जो भी फेस पे जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वगैरह हो गए हैं उनको अच्छे से निकालता है। ये बेस्ट स्क्रब है और हमारे स्किन को ज़्यादा वो जो होता है ना बहुत हार्श भी नहीं है, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बाहर के केमिकल लिए हुए प्रोडक्ट लेने से बेटर है कि घर पे जो किचन में अवेलेबल है उसको यूज़ करें, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, ब्राउन शुगर लेना है और उसको एक साफ़ सुथरे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, जैसे मैं ये ग्राइंड की हूँ। और इसको आपको 1 स्पून के करीब में आपको एक छोटे से बाउल में ले लेना है। उसके बाद जो इसमें आपको मिलाना है वो है हनी। हनी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं हमारे स्किन में, बहुत बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करती है, और जिनकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो मैं थोड़ा सा हनी लूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जो ये ब्राउन शुगर जो आपके स्किन को जो हल्का सा आपके अपने स्किन पे अगर आप इसे रब करते हो तो हनी क्या करेगी, आपके हनी जो है सो कि आपके फेस को डैमेज नहीं होने देगी, आपके फेस को जो है सो मॉइस्चराइज रखेगी, सॉफ्ट रखेगी और सफल बनाएगी। तो हमारे स्किन के लिए हनी बहुत अच्छा बेस्ट मॉइस्चराइजर है। तब आप इसको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो आज आपको मेरी स्किन बहुत डल लग रही होगी क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ जस्ट हाफ एन आवर पहले। तो आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको इसे अपने फेस पे स्मूथली हल्का सा से स्क्रब जैसे करते हैं आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है। 1 मिनट के करीब में आपको इसे थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगेगा क्योंकि हनी है। जिन लोगों को हनी नहीं चाहिए वो चाहे तो इसके जगह पे कर्ड ले सकते हैं, योगर्ट जिसे कहते हैं। आपको अच्छे से इसे स्क्रब, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करूंगी, जिन्हें नहीं लगता वो रोज वाटर स्प्रे इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही लगा करूंगी ये। देखो मैं आपके साथ मैं एक बात शेयर कर रही हूँ, बहुत को हनी के साथ अगर ब्राउन शुगर को वो मिक्स करते हैं तो उन्हें बहुत स्टिकी लगेगा। मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं ब्राउन शुगर के साथ हमेशा हनी यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप ब्राउन शुगर के साथ हनी रखते हो ना तो आपको बहुत स्टिकी लगेगा, आपस में ऐसे लगेगा ना कि आपके फेस के ऊपर चिपक गया। तो आप ये कर सकते हो कि ब्राउन शुगर के जो कर सकते हैं मैनेज ब्राउन शुगर के साथ हनी वो उसके साथ यूज़ करें, और जो मैनेज नहीं कर सकते हैं जो उन्हें लगे कि बहुत स्टिकी हो रहा है तो आप ब्राउन शुगर के साथ रोज़ वाटर मिक्स करके अभी आप लगा सकते हो। तो मैं मैनेज कर पाती हूँ, 1 मिनट के करीब में इसे आपको
अब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो ये पूरा रेड होता है मेरा फेस अगर मैं कोई भी स्क्रब यूज करती हूँ, इसलिए मैं बाहर का तो कोई स्क्रब यूज ही नहीं करती। तो आपको 1 मिनट के करीब में स्क्रब करना है। और फिर मैं अभी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैं जस्ट अभी वॉश करके आई हूँ, मेरा स्किन आपको हल्का रेड लग रहा होगा, स्किन ही बहुत सेंसिटिव है लेकिन आपको साफ लग रहेगा। मेरी स्किन है ना, रेडनेस तो आ गई है थोड़ा सा क्योंकि मैं स्क्रब की हूँ, लेकिन मेरी स्किन मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। और जो ये ब्लैक हेड्स हो यहाँ पे, मैं जब अपने नोज़ के ऊपर ऐसे फिंगर कर रही थी, जब ऐसे टच करती थी ना, तो वो मुझे ना रुखरापन ऐसा खुरखुरापन लगता था, वो अभी नहीं है। जबकि यहाँ पे ये सब एरिया में तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो सेकेंड हैक है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि स्क्रब के बाद जो आप फेस पैक आपको बनाना है, ये देखो बहुत बहुत हल्का फील कर रही हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगी, रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी, जो किसी भी ब्रांड का जो आपके पास हो। ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन मुझे इसकी आदत है। उसके बाद मैं ये स्क्रब हो गया, अब मैं आपको फेस पैक बनाना बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो जो फर्स्ट आपको इंग्रेडिएंट लेना है वो है काकड़ी, खीरा जिसे कुकुम्बर कहते हैं, खीरा लेना है आपको। उसे अच्छे से एक ग्रेटर में पहले ऊपर का पीलर की मदद से आपको छिलका हटाना है, फिर आपको उसको ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर देना अच्छे से। और उसके बाद आपको इसका जूस निकाल लेना है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। ये देखो इसका ऐसे आपको इसका जूस निकाल लेना है, उसका जो आप करते हो ना किसी भी छन्नी वगैरह जो होता है उसके अंदर रख के और छानते हो, तो आपको ऐसा जूस निकल सकता है। आप इसको अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में तकरीबन 2 दिन रख सकते हो। और अगर आपके पास मतलब सबके पास होता ही आइस क्यूब है, तो आप इसको एज अ आइस क्यूब में एज अ उसको आराम से इसे आप स्टोर कर सकते हो कम से कम 5 डेज तक। और आप अपने फेस के ऊपर जो है सो कि कोई भी मेकअप करने के पहले अच्छे से आप इसे थोड़ा सा घिस लो, और उसके बाद फिर 2 मिनट छोड़ दो, फिर वॉश कर लो, तो आपकी स्किन जो है सो ब्राइट। काकड़ी क्या करता है, खीरा क्या करता है, कुकुम्बर, ये जो है हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। बहुत सारे क्रीम आप ले जो गोरापन का दावा करता है, फेयर स्किन का दावा करता है, उसमें आपको कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट मिलता ही है। तो ये जो है काकड़ी वो फेयर करता है। अभी गर्मी का मौसम है तो हमारे स्किन को एकदम ठंडे हमारे वो बोलते हैं ना, हमारे स्किन को शीतलता प्रदान करेगा। तो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट ये है, बस 2 ही इन्ग्रीडियंट की आपको आवश्यकता है। फर्स्ट है काकड़ी का आपको थोड़ा सा खीरे का जूस रस लेना है, और इसके अंदर हमें आपको मसूर की दाल, मैं लास्ट टाइम आपको बताई थी, जो मेरा लास्ट वीडियो देखे उन्हें पता होगा, मैं उन्हें बताई थी कि मसूर की दाल को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो और उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये है मसूर की दाल जिसे मैं अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके स्टोर की हुई हूँ। तो वो काकड़ी के जो का जो अपने खीरे का जो पानी है उसके अंदर आपको इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपको मिक्स करना है। और इसको अपने फेस के, आपको इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो इसमें चने का बेसन भी मिला सकते हो। अगर आपके पास ये मसूर की दाल नहीं है तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चने का बेसन भी मिला सकते हो, आप उसका भी पैक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मसूर की दाल ही ज़रूरत है। मसूर की दाल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें आपको स्किन को फेयर करने का 10 गुना जो चने का दाल जो करता है ना, चने के दाल का जो बेसन जो करता है, उससे 10 गुना ये फास्ट आपकी रंगत को निखारता है। तो इसलिए मैं मसूर की दाल बोली, बस आपको ऐसे पैक बनाना है और आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। मेरे फेस अभी आपको एकदम रेड लग रहा होगा क्योंकि स्क्रब करने के बाद मेरी फेस का यही हालत होता है, तो आपको इसे बस ऊपर की तरफ से लगा लेना। ये मैं
पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर चुकी हूँ। और आपको एक रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि जो मसूर की दाल मैं आपको बोली हूँ ना, इस फेस पैक में आप मसूर की दाल ही ट्राई करें लेने का, क्योंकि मसूर की दाल में वो खासियत है जो हमारे स्किन के रंगत को बहुत निखारता है। चने का बेसन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, मीन्स अगर आपको अपनी रंगत को तुरंत निखारना है, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे फेशियल नहीं कराना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मसूर की दाल का जो मसूर का जो वो बेसन होता है, दाल का बेसन, उसको अगर आप किसी भी चीज़ के साथ अगर मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको इंस्टेंट फेयरनेस दिखता है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि वो एटलीस्ट बना के रखें। तो जब ये सूखता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा फेस सूख चुका है और हल्का गीला है, लेकिन मेरी बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मैं ज़्यादा सूखने नहीं दूंगी। वॉश करके आती हूँ फिर दिखलाती हूँ। अभी मैं जस्ट वॉश करके फेस आई हूँ, अभी लगाई हुआ है। आप देखो मेरे पूरे फेस पे बेसन वगैरह जो भी है वो लगाई हुआ है। अगर आपको मेरे स्किन पे इफ़ेक्ट दिखा हो बिफोर और आफ्टर, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपके स्किन पे मुझे इफ़ेक्ट दिखा है स्क्रब करने के बाद। और फेस पैक स्क्रब करने के पहले मेरी स्किन बहुत डल थी यार, और जब अभी मैं फेस वॉश की हूँ, फेस पैक लगाने स्क्रब की हूँ, और जब फेस पैक लगाई हूँ उसके बाद आपको मेरे फेस पे इफेक्ट दिखा है या नहीं कमेंट करके बताना। और अगर आज का आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर अभी तक आपने मेरा फेस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और फेस पैक लगाने के बाद, वॉश करने के बाद, आपके पास जो भी रोज़ वाटर हो, जो भी कंपनी का, वो स्प्रे करना ना भूलें। ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी स्किन को बहुत टोनर का काम करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।